दुनिया में हर एक व्यक्ति सोते खाते और काम करते वक्त सिर्फ यही सोचता है कि अमीर बनने के लिए वो ऐसा क्या करे कि जल्दी से अमीर बन जाए। हालांकि बहुत प्रयास भी करता है लेकिन वो मेहनत उसकी असफल ही रहती है। पुरानी कहावत के अनुसार एक व्यक्ति जितना भी कमा ले उसकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। इसका कारण यह भी है कि एक के बाद एक इच्छा उसके मन में जागृत होती रहती है, यानी इच्छाएं कभी भी इंसान की कम नहीं होती जबकि बढ़ती ही रहती हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिससे उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आपने कभी सोचा है ये बदलाव क्यों आते हैं? क्या कारण हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कभी खुशियां दस्तक देती हैं तो कभी गम? आज हम इसी संबंध में आपको कुछ आवश्यक बातें बताने जा रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां होती हैं। ये राशियां ग्रहों की चाल पर ही निर्भर करती हैं। ग्रहों की चाल से इन पर प्रभाव पड़ता रहता है। ग्रहों की चाल को देखते हुए ज्योतिषियों का मानना है कि इनके चाल से इंसान की किस्मत भी बदल सकती है। कहते हैं ना कि किस्मत कभी भी बदल सकती है। ज्योतिषों के अनुसार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने वाला है और इस परिवर्तन से दो राशियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस साल इन दो राशि के लोगों को बहुत सोच समझ कर कदम उठाने होंगे, नहीं तो एक एक पैसों के लिए आप हो जाएंगे मोहताज। जी हाँ, बात करते हैं पहली राशि यानी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों को इस समय काफी संभल कर रहना होगा क्योंकि साथ ही सूर्य के मकर राशि में प्रवेश होने से कन्या राशि को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें नौकरी पेशा लोगों की तो नौकरी करने वाले लोग अपने आसपास के लोगों से मधुरता बनाए रखें, यानी मीठे शब्दों का प्रयोग ही करें, क्योंकि अगर आपके मन में या आपके बोलने में थोड़ी भी कड़वाहट आएगी तो आपको इससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कोई भी ऐसा फैसला ना लें जो आपको एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दे, क्योंकि आप जिससे भी मधुरता से बात करेंगे वही आपकी मदद भी कर सकता है। वही बात करते हैं दूसरी राशि यानी तुला राशि की। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से कन्या के बाद तुला राशि को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि ग्रहों के इस चाल के बदलने से इस राशि वाले लोगों के जीवन में अशांति फैली रहेगी। साथ ही गुस्सा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि गुस्सा करने से आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में मतभेद पैदा हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इनसे बच कर रहें। साथ ही आपके साथ कोई अनहोनी घट सकती है लेकिन ज्यादा परेशान ना रहें। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।